curriculum development and school unit 2 topic open school. ओपन स्कूल भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ की तरह ही एक सिस्टम होता है जो कि नए कॉन्सेप्ट के साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ताकि एजुकेशन का लेवल बढ़ पाए, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ पाए और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिल पाए जो कि ट्रेडिशनली टाइप से एजुकेशन एक्वायर नहीं कर पा रहे। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, एक एजेंसी की तरह काम करना और इफेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन लर्निंग के थ्रू देना, आइडेंटिफाई एंड प्रमोट करना स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन स्कूल के जरिए, एक्सरसाइज करवाना नॉर्मेटिव एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। इसी कुछ फंक्शन से ओपन स्कूल के, जैसे कि इंक्रीज द ब्रेथ एंड इक्वालिटी ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट है रेलेवेंट टू नीड्स ऑफ लर्नर। थर्ड वन है हमारा इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। एंड लास्ट वन इज मैक्सिमाइजिंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफिशेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ओपन स्कूलिंग बहुत सारे हैं ओपन स्कूल, और हमें जो हमारे कोर्स में पढ़ना है वो है मैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल के बारे में। ये इस्टेब्लिश हुआ था नवंबर 1989 में। पहले इसे नेशनल ओपन स्कूल कहा जाता था और बाद में इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहा जाने लगा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी ताकि बच्चे अपनी स्कूल कंटिन्यू कर पाएँ। फ्रीडम है यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करने की, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। साथ ही साथ लर्निंग सपोर्ट मिलता है PCPs के द्वारा, मीन्स पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के द्वारा। साथ ही साथ कंटिन्यूस असेसमेंट होता है TMS के द्वारा, मीन्स ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के द्वारा। क्रेडिट एक्यूमुलेशन फैसिलिटी है, देन डिसेंट्रलाइज सर्विस मैड अवेलेबल, देन री एडमिशन्स पार्शली सक्सेसफुल लर्नर्स के लिए, देन ट्रांसफ़र करती है क्रेडिट्स CBSE, CISCE, UP बोर्ड, मतलब हर एक बोर्ड से ट्रांसफ़र क्रेडिट्स हो पाते हैं इसमें आसानी से। देन कुछ और पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, ये ओके, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ग्रेटर इक्विटी देती है स्ट्रीट्स इन सोसाइटी, इवोल्यूशन ऑफ लर्निंग सोसाइटी, प्रमोट करती है सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज को, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कोर्सेज को, साथ ही साथ वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज और प्रोग्राम्स को भी। इंक्रीज एंड गिव मोर एम्फेसिस ऑन लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम। एंड जो दो मेन हैं वो हैं कि NOAs फंक्शन करती है स्कूल की तरह एंड स्कूल बोर्ड की तरह, ताकि कंडक्ट कर पाए पब्लिक एग्जामिनेशन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स पे। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं NIOS की, ताकि प्रोवाइड कर सके साउंड प्रोफेशनल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एंड टू स्टेट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग सिस्टम्स, डेवलप एंड प्रेस्क्राइब्स वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर पर्पस एंड जनरल या फिर वोकेशनल क्लासेस के लिए, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज इंटेंसिव ट्रेनिंग ऑफ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द एरिया ऑफ ओपन स्कूलिंग एट द नेशनल लेवल। और भी कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ, जैसे कि फैसिलिटेट करना ऑनलाइन एडमिशंस, इश्यूज ऑफ ID कार्ड्स, मॉनिटरिंग करना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल्स, रिव्यू एंड मॉनिटर करना पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स को, अपॉइंटमेंट ऑफ OSD फ्लाइंग स्क्वाड, दैन प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ई गवर्नेंस एज पर द राइट ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्ट, evaluation of answer scripts of the region, timely declaration of results, ये सारे इसके objectives हैं। कुछ courses हैं NIOS के जो कि open basic education से related हैं, और कुछ हैं हमारे यहाँ पे secondary certificate courses जैसे language subject, academic subject से related, then senior secondary certificate courses हैं जो कि language and academic दोनों subject से related हैं, and last one is vocational जिसमें science, stenography, word processing ये सब आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसकी एज मस्ट बी 14 ईयर्स होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी सर्विस के लिए उसे रिकॉग्नाइज बोर्ड या सेकेंडरी एजुकेशन में एग्ज़ाम पास करना होना चाहिए। एंड साथ में साथ इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन से लाइफ इन्हेंसमेंट कोर्सेस से
नोडल रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स है, एक तरीके से नोडल रोल प्ले करता है एक नेटवर्क के लिए। NIOs प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल्स, ओरिएंटेशंस, साथ ही साथ में एक एजेंसी की तरह इफेक्टिव लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। सीनियर्स और हायर सेकेंडरी कोर्सेज प्रिपेयर्स लर्नर्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज हैं जैसे एग्रीकल्चर, बिजनेस, इससे भी लर्नर्स की को काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सारे कंट्रीब्यूशन हैं हमारे NIOs की तरफ से, ताकि विदाउट एज फाउंडेशन सब अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर पाए। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।